एक प्रयास संस्था की डायरेक्टर पूर्व पार्षद रमा महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति के साथ ये निर्णय लिया गया कि एक प्रयास संस्था का स्थापना दिवस 16 फरवरी बसंत पंचमी पर्व पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके मां सरस्वती की पूजा करने के उपरांत जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं की हर तरह से सहायता करना है। कोरोना काल में जिन लोगों ने जरूरतमंद लोगों की सहायता की है उन्हें भी संस्था सम्मानित करेगी। रमा महाजन ने कहा कि एक प्रयास संस्था नारी सशक्तिकरण का काम कर रही है। इस मौके सचिव डॉक्टर रजनी डोगरा, प्रधान बीना मेहरा, जसबीर, उषा गोस्वामी, सुषमा, अमृत, प्रोमिला इत्यादि उपस्थित थे। मैं रमा महाजन, एक प्रयास संस्था की तरफ से आज हम सब कोरोना काल के बाद पहली बार एकत्र हुए हैं यहाँ। एक तो खुशी बहुत ज़्यादा है, सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, सबके चेहरे देखने को मिले हैं। और दूसरा, हमारा फाउंडेशन डे आ रहा है। हमारा एक प्रयास एनजीओ 15वें साल में प्रवेश करने लगा है और हम चाहते हैं कि उसको हम धूमधाम से सेलिब्रेट करें। इसकी तैयारी के लिए हम सारे एकत्र हुए हैं यहाँ पर, योजना बना रहे हैं कि आगे क्या करना है, हमें नारी शक्ति के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। तो इसके प्रोग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि कोरोना में बहुत लोगों की मदद की है तो उनको हम ऑनर करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऑनर हो गए हैं पर हम उन लोगों की ऑनर करना चाहते हैं जो अभी छिपे रहे हैं, जो सामने नहीं आए पर अपनी तरफ से उनका पूरा योगदान रहा है कोरोना काल में। जिस दिन 16 फरवरी को बसंत मना रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे साथ सब शामिल हो इस फंक्शन में, जिससे हम अपनी संस्था के बारे में उनको बता सकें और उनको अपने साथ जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।